ओम शांति। आज 27 नवंबर 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 1992 को सुनाए थे, जबकि ब्राह्मण बच्चे मधुबन में अव्यक्त बाप दादा के साथ नया वर्ष मनाने आए थे और नए वर्ष की बाबा बधाइयां देते हैं। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि आज नए वर्ष पर दुनिया में सभी एक दो को गिफ्ट देते हैं, तो आज बाप दादा भी हम बच्चों को गोल्डन गिफ्ट देते हैं और ये गोल्डन गिफ्ट है नई दुनिया के नए युग के राज्य भाग्य के। बाबा कहे दुनिया में तो लोग नया वर्ष मुबारक देते हैं, बाप दादा हम बच्चों को नए युग की मुबारक देते हैं और साथ ही साथ ये गोल्डन गिफ्ट देते हैं। बाबा कहे दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति कितने भी अच्छे से अच्छी गिफ्ट क्यों ना दे, चाहे किसी को ताज और तख्त दे दे, लेकिन फिर भी इस गोल्डन गिफ्ट के आगे वो ताज तख्त भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप दादा कोई एक जन्म के लिए नहीं देते हैं, जन्म जन्म के लिए ये गोल्डन गिफ्ट देते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चों को निश्चय तो है ना, निश्चित भविष्य को जानते हुए निश्चिंत है, या कभी कभी अपने मन में संकल्प आता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाबा कहे तुम बच्चे 100% निश्चय बुद्धि हो और इसीलिए इस गोल्डन गिफ्ट के अर्थात नई दुनिया के राज्य भाग्य के अधिकारी हो। साथ ही साथ उस वर्ष विशेष अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाने का सभी ब्राह्मणों ने सोचा था, तो बाबा उस अव्यक्त वर्ष को कैसे मनाना है उसकी भी प्रेरणा हम बच्चों को देते हैं। और बाबा कहे इस अव्यक्त वर्ष को सफल करने के लिए सफलता का महामंत्र अपनाओ, तो बाबा कहे इस अव्यक्त वर्ष में समय, श्वास और सर्व खजानों को सफल करो, सफल करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। क्या सफलता प्राप्त होगी वो भी बाबा स्पष्ट करते हैं और बाबा कहे अगर समय को सफल करेंगे तो नई दुनिया के अंदर पूरा समय राज्य भाग्य का अनुभव करेंगे। श्वास को सफल करेंगे तो बाबा कहे कभी भी श्वास अचानक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन समय अनुसार सहजता से श्वास छूटेंगे। खजानों को सफल करेंगे तो बाबा एक एक खजाना लेते हैं और कहते हैं जब ज्ञान का खजाना सफल करते हैं, ज्ञान माना समझ, तो नई दुनिया के अंदर वजीर रखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप इतने समझदार बन जाते हैं। शक्तियों का खजाना सफल करते हैं तो बाबा कहे सर्व शक्तियां आपके आगे सदा हाजिर रहती हैं। गुणों को सफल करते हैं तो बाबा कहे नई दुनिया में अर्थात देवताई जीवन में आपकी महिमा सदाकाल के लिए यही गाई जाती है सर्वगुण संपन्न। तो बाबा एक एक खजाने के ऊपर लेकर के हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि कैसे हमें सर्व खजाने सफल करने हैं और सफलता का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में सदा करते रहता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का टाइटल है सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही
नव युग की रचना करने के लिए, तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से, बाबा कहे, दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं व एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। दुनिया में तो बधाइयों के साथ गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन बाप और बाप नव युग की मुबारक देते हो। बाबा भी हम बच्चों को नव युग की मुबारक देते हैं और हम भी सभी आत्माओं को नव युग की ही बधाइयां देते हो। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नव युग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया की आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना, नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? बाबा कहे नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हैं। एक तो सबको खुशखबरी सुनाते हैं कि अब नया युग आया कि आया, साथ में बाबा कहे नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हैं। और वो गोल्डन गिफ्ट जो बाबा हम बच्चों को देते हैं, बाबा कहे जन्म जन्म के, अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। कितनी सुंदर गोल्डन गिफ्ट नए वर्ष पर बाबा नए युग के निमित्त हमें देते हैं। तो बाबा कहे इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती है। जब ऐसे विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त होगा तो उसमें क्या कमी होगी? कोई कमी नहीं। इसलिए बाबा कहे सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती है। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आज कल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपके सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? पूछते हैं बाबा कि आज की दुनिया में कोई कितनी भी बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दे दे तो भी इस गोल्डन गिफ्ट के आगे वो क्या है? बड़ी बात है क्या? नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना? पूछते बाबा, अधिकारी बन गए हो ना? ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते? ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना? पूछते बाबा, इतनी फलक है ना? यह कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। निश्चय है कि राज्य भाग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाबा कहे निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना? फिर भी बाबा पूछते हैं, निश्चित है ना या कुछ चिंता है? पता नहीं मिलेगा या नहीं, कभी संकल्प आता है? पूछते बाबा, कितना प्यार से पूछते हैं, कभी संकल्प आता है? अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है,
बाबा जैसे एकदम कंफर्म करते हैं, पक्का कराते हैं कि पक्का निश्चय है ना, कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल है, निश्चय अचल अटल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? इतनी सुंदर गिफ्ट बाबा ने हम बच्चों को दी, फिर बाबा कहे आप क्या करेंगे, औरों को देंगे? अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। दुनिया में कोई सुंदर से सुंदर गिफ्ट दे, लेकिन फिर भी अल्पकाल समय के लिए ही होती है और वो समय समाप्त होने पर वो गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहे। 21 जन्म की गिफ्ट हमें मिल रही है तो बाबा कहे हर जन्म आपके साथ रहेगी। वास्तविक मनाना तो नव युग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौजों में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है व खुशी में नाचने का है। इतना खुशी की बात है, ये गिफ्ट अविनाशी होने कारण जन्म जन्म हमारे साथ रहती, तो बाबा कहे इसीलिए इसको वास्तविक मनाना संगम युग पर कहेंगे। जो उस गिफ्ट मिलने की खुशी, मौज खुशी के झूले में झूलने का, खुशी में नाचने का, अविनाशी गीत गाने का है। बाबा कहे हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है व खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हैं। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उत्सव है। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही कि संगम युग का हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसीलिए यादगार रूप में भी क्या करते हैं, भारत में हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता ही है। इतने उत्सव दुनिया में और कहीं पर भी नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो बाबा कहे इसीलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं और कहां भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है, इसीलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो, नया वर्ष मनाने के लिए आए हो, तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे? सभी आए थे बाबा के साथ नए वर्ष मनाने के लिए, तो बाबा पूछते हैं सिर्फ एक दिन मनाएंगे? पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। कितनी सरलता से बाबा पूछते हैं। फिर बाबा कहे आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव, हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि ही है, सदा उड़ती कला ऐसी राशि जैसे भाग्य विधाता हमारी बना कर दे देते हैं। जो बाबा कहे आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही, सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि दो दिन बहुत अच्छे और फिर दो दिन के बाद थोड़ा फर्क हो गया, नहीं, हर दिन उड़ती कला वाला। मंगल अच्छा रहेगा
गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन वाला तो नहीं है ना। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है, बाबा वरदान भी दे देते हैं, बाबा कहे जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वह और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। हर दिन अच्छे से अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी बहुत बहुत अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों की उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना, पुराने जन्म से मर गए, नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात हर दिन बहुत अच्छा रहे, ये वरदान बाबा ने दिया है। फिर बाबा कहे दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। उस साल अव्यक्त वर्ष 1993 को अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाने का सोचा था, तो इसीलिए बाबा कहे विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो, तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना। अव्यक्त वर्ष के लिए स्लोगन बाबा ने दिया सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजानों को सफल करना। तो बाबा ने गोल्डन गिफ्ट के साथ नए वर्ष जब अव्यक्त वर्ष के रूप में मना रहे हैं तो उसके लिए विशेष प्रेरणा दी कि ये स्लोगन याद रखना कि हर समय को, हर श्वास को, हर खजानों को सदा सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, किसी भी प्रकार की सफलता चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा कि हर प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। रहस्य बाबा ने बताया क्यों सफल करना है। वर्तमान समय के लिए जब सफल करते हैं तो सफलता का अनुभव होता है और भविष्य में वो जमा का खाता बन जाता है। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय, बाबा कहे जितना समय को सफल करते हैं। अभी एक एक बात की गहराई बाबा बता रहे हैं कि वर्तमान में तो सफल करते ही हो लेकिन भविष्य जमा कैसे होता है। तो सबसे पहले जो कहा समय को सफल करो, तो बाबा कहे जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का पूरा यानी फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। इतनी सुंदर गुह्य गति बाबा ने बताई। समय सफल करने से
पूरा समय राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हो। फिर बाबा कहे श्वास को सफल करना, हर श्वास सफल करते हो, इसके फल स्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। श्वास सफल करने से सदा स्वस्थ रहते हो, कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, कभी चलते चलते इस जन्म में भी श्वास बंद नहीं होगा, ऐसे नहीं रास्ते में ही चले गए, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुना का हजार गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से फिर तीसरा खजानों को सफल करना, इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी कौन से खजाने, तो बाबा कहे इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो, विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ, इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। फिर दूसरा खजाना है सर्वशक्तियों का खजाना, दूसरा खजाना है सर्वशक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती, कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। सदा सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। शक्तियों से ही तो निर्विघ्न चलते हैं, और वो भी बाबा कहे अटल अखंड निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं, धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है फिर सर्वगुणों की, सर्वगुणों का खजाना, तीसरा है सर्वगुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूरत बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। फिर बाबा होमवर्क भी देते कि ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। कौन से और खजाने हैं, वरदानों का खजाना है, खुशियों का खजाना है, कितने खजाने बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो बाबा कहे ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन कर, समझा? आपस में इसी पर रूरिहान करना, ये भी होमवर्क है कि आपस में भी इसी पर रूरिहान करना। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष माना अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करना, क्योंकि बाप दादा अव्यक्त मूरत है। तो इसीलिए बाबा कहे यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो। तो स्नेह की निशानी है जो स्नेही को प्रिय व स्नेह करने वालों को भी प्रिय। तो ब्रह्मा बाबा को क्या क्या प्रिय था? ब्रह्मा बाबा को मुरली प्रिय थी, तो बाबा कहे वह स्नेह करने वालों को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? सबसे पहले मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। कितना सुंदर बाबा ने ये भी एक रहस्य खोला कि ब्रह्मा बाबा ही कृष्ण बन करके
वहां मुरली क्यों बजाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा स्वरूप में भी उनका मुरली से बहुत प्यार रहा, तो इसलिए बाबा कहे तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना, भविष्य में भी इसीलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य से कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं, श्री कृष्ण के रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। यह है हमारा भी बाबा से प्यार, सिर्फ कहने वाले नहीं। ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था, बाबा कहे ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी उससे प्यार सदा दिखाई दे, तो मुरली से प्यार दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर वन नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है, अब बाबा अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य स्लोगन दे दिया, फिर अव्यक्त वर्ष ब्रह्मा बाबा के साथ का प्यार के रूप में मना रहे हैं, तो वह भी बाबा ने बताया मुरली से प्यार। फिर अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य बाबा दे रहे हैं, अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है। जिसको दूसरे शब्द में कहते हो बाप समान बनना, जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो, यह ब्रह्मा बाप समान है। ये दूसरा विशेष लक्ष्य बाबा ने दे दिया, खाली ब्रह्मा बाबा का जिससे प्यार है वही हमें प्यारा हो ऐसा नहीं, कि मुरली हमें प्यारी हो ऐसे नहीं, लेकिन बाबा कहे जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, अगर यथार्थ संकल्प है तो बाबा कहे संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रिय से करो। अगर यथार्थ है तो संकल्प करो, संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल बोलो और कर्मेंद्रिय से कर्म करो, पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। बाबा बच्चों की भाषा को भी जानते हैं कि बाद में क्या बोलते हैं, कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। ये बाबा की दूसरी सबसे बड़ी बात, जो सोचा वही बाबा ने किया और जो कहा वही किया, चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थि से और दृढ़ता, निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। वह सुंदर बात कही, ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था और इसीलिए नया ज्ञान होने के कारण कितना भी अपोजिशन हुआ लेकिन उस अपोजिशन को भी बाबा ने कैसे पार किया, तो बाबा ये अपनी सीक्रेट बताते हैं। स्वमान की स्मृति से, श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से, दृढ़ता, निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन
की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन क्या करेगी? ऑपोजिशन फेल हो गई। ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है। देखो नेगेटिव को भी पापा ने कैसे पॉजिटिव में चेंज कर दिया कि कितनी भी ऑपोजिशन हो उतनी हमारी दृढ़ता और मजबूत होती है। तो ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है। कई बच्चे तो हिल जाते हैं लेकिन बाबा ने उसी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया कि हिलने के बजाय उस पोजीशन की दृढ़ता में रहे बाबा, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो। हम सभी बच्चे इतने वृद्धि को कैसे पाए? अगर बाबा ही हिल जाता था तो हम सभी कहां से आते थे? इसलिए बाबा कहे कि बाबा दृढ़ रहे इसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो। हम सभी बच्चे हैं और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। इतनी सेवा थोड़ी हो सकती थी। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। वही जिन्होंने पाकिस्तान में देखा था और सोचा था कि नहीं बाबा इसमें जाने जैसा नहीं है, वही आज कहते हैं आप सभी ने तो कमाल करके दिखाई है। तो यह कैसे हुआ? ऑपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? स्लोगन दे दिया, लक्ष्य दे दिया, अब बाबा कह क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञातावन, निश्चित भावी के ज्ञातावन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम जन्म तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की। बाबा ने सब कुछ सफल किया, कभी सोचा नहीं कि भाई ये रख दूं मैं, मुझे आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और उसका प्रत्यक्ष सबूत क्या देखा कि अंतिम दिन तक तन भी इतना बाबा का स्वस्थ था, तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए। शरीर छोड़ने से एक घंटे पहले भी बाबा ने सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। इसीलिए बाबा ने कर्तव्य हम बच्चों को दिया कि इस वर्ष ब्रह्मा बाबा से प्यार है, बाप समान बनना है तो बाप समान सफल करो। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। सफल करना किसको कहते हैं? श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो, भाई यहां अंधकार है तो अंधकार को बाहर निकालो, तो टाइम भी वेस्ट, क्योंकि अंधकार तो निकलेगा नहीं। तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो, जब टाइम और मेहनत वेस्ट हो ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएगी। क्यों बाबा कहते मेहनत नहीं करो? क्योंकि सोचते सोचते मेहनत करते क्या बन जाएंगे? दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है। सफल किया माना रोशनी करना है।
तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर वन प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। अब बाबा के मैं भी देखूंगा नंबर वन प्यारे बनते हो या नंबर वार प्यारे बनते हो। सभी नंबर वन बनेंगे, डबल विदेशी क्या बनेंगे, नंबर वन बनेंगे। नंबर वन कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो सहज है। बाबा का नंबर वन बनना, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना, बाप दादा खुश है। बाबा कहे अब आपस में प्लान बनाना, सोचना, बाप दादा खुश है। अगर सब नंबर वन बन जाए तो बहुत खुश है। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर वन बनेंगे। कितने सुंदर बाबा ने नए वर्ष की मुबारक दी कि सभी नंबर वन बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो वन आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे। विधि भी बाबा ने बता दी नंबर वन में जाने की कि व्यर्थ पर विन करेंगे तो वन आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो वन नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में, अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा, व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो, बाबा कहे इतनी शक्ति हो। परमात्मा सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि वाले ने, यह है परमात्मा सिद्धि। स्टॉप कहा, स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो, परमात्मा सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्मा सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती? रिद्धि सिद्धि वाले, मैली विद्या वाले क्या क्या करते हैं, तो परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचो और स्टॉप हुआ, स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ, इतनी शक्ति है। या स्टॉप कहने के बाद भी एक दो दिन भी लग जाते तो एक घंटा दस घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप, तो यही निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता वह प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी। सेवा की सफलता और प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना। अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, कैसे बढ़ रही वो भी बाबा देखो इतना सुंदर तरीके से बाप बच्चों के आगे स्पष्ट कर देते। पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं। उसी साल में दादी जी को मानद उपाधि मिली थी, तो इसीलिए बाबा कहे आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है। ये मिलना भी सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है? उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को, प्रकाशमणि दादी जी को मानद
यानी डॉक्टरेट की डिग्री भी है, लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। यह भी दुनिया में प्रत्यक्षता का साधन है, साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है, वह भी दिन आना ही है, जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। धर्म नेताएं भी बाबा कहे आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता, लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। बाबा कहे आप सब क्या करो, प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार होने लग गई है, लेकिन अब हर एक अपने में क्या प्रत्यक्ष करे, संपन्नता और संपूर्णता को प्रत्यक्षता करो। ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो, अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्धि करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। ये विजयी माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी यह यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है। होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खेवैया मजबूत है तो निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खेवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है, तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए ये बीच बीच में बाई प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है, या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। यह तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक, याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा की दादियों से मुलाकात है और बाबा ने दादियों से कहा, ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना, डॉक्टरेट की डिग्री जो प्राप्त हुई और इतना सुंदर कार्यक्रम उदयपुर में हुआ, तो बाबा कहे ड्रामा के दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं।
बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, बाबा के ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति हो ना। चाहे वह प्रभु के रूप में निकले, चाहे वह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। चन्ना रेड्डी के विषय में बाबा कहते हैं कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है, संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। तो अभी माइक तैयार करने हैं, यह सैंपल है। इसके लिए कहा बाबा ने, राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के लिए बाबा ने कहा यह सैंपल है। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है अभी, राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगाना। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्म का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। आज का स्लोगन है, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। अच्छा, ओम शांति।